सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग फ्रेंड्स, दिस इज आकाश वी शर्मा एंड आई वेलकम यू टू दिस 5 मिनट राइड विद मी। आपने कभी महसूस किया है कि हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े गोल्स और कितने बड़े मुकाम अभी पेंडिंग हैं? और कभी गौर करके देखिएगा, हम पाएंगे कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम और मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशंस में जो व्यवहार होता है वो लोगों के बारे में सोच कर होता है। हम अपने एक्शंस को, अपने व्यवहार को ये सोच कर करते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। अब ये चाहे कोई छोटी सी कपड़े खरीदने वाली बात हो या फिर लाइफ में किसी करियर को चूज़ करने वाली बात हो, बहुत सारे लोग UPSC के करियर को या उस एग्ज़ाम को इसलिए चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ये सोचेंगे कि जब हम फेल हो जाएंगे या अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे, या फिर जब हम इसके लिए अटेम्प्ट करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो ये ना सोचें कि भाई ये इतने बड़े ख्वाब कैसे देख सकता है। अगर कपड़ों की बात करूं तो हो सकता है हमें कोई जैकेट, कोई फैशनेबल सी जैकेट पसंद आए और हम केवल उसे इसलिए ना ख़रीदें कि हम ये सोचें कि अगर मैं इसे पहनूंगा तो लोग ये सोचेंगे कि देखो शर्मा जी कैसे फैशन में आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए हम एक ऑर्डिनरी सी जैकेट लेने की कोशिश करेंगे। ये एक नॉर्मल व्यवहार है और गाइज हमने रियलाइज़ नहीं किया है शायद कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने व्यवहार को लोगों के हिसाब से मैनिपुलेट करके जीते हैं और हमें ये तो रियलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं है कि इस चक्कर में हम अपना कितना बड़ा लॉस हर रोज़ में करते हैं या कितने बड़े नुकसान में जा रहे हैं या कितना बड़ा नुकसान हम कर सकते हैं। तो इस नुकसान के बारे में आपको बताने के लिए एक छोटी और खूबसूरत सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार एक हस्बैंड वाइफ, उनका छोटा बच्चा बेटा और एक गधा कहीं जा रहे थे, चारों के चारों पैदल जा रहे थे। तो थोड़ी आगे गए तो उन्हें 4-5 लोग मिला रास्ते में। उन लोगों ने कमेंट किया कि देखो कैसे बेवकूफ़ इंसान है, साथ में गधा लिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, उन्हें लगा कि यार हम तो बेवकूफ़ ही कर रहे हैं, तो हमें कुछ इस गधे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनकी मम्मी को, उस लेडी को गधे पे बिठा दिया। अब जब वो आगे गए तो उन्हें कुछ लोग और मिले और उन लोगों ने उन्हें देखकर कमेंट किया कि देखो कैसी औरत है, कितने शान से बैठी जा रही है, इसका पति और इसका छोटा बच्चा तो पैदल चल रहे हैं बेचारे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, यार हम तो अब भी गलत कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि औरत को उतारा और जो हस्बैंड और उसका बेटा था वो गधे पे बैठ गए। जब वो जाने लगे तो आगे जाकर कुछ लोग और मिले, उन्होंने कहा कि भाई देखो कैसा आदमी है, कैसा ढीठ है, इसकी बीवी और इसका छोटा बच्चा तो पैदल चल रहे हैं और खुद इतने शान से सवारी करता जा रहा है। उन्हें लगा कि यार ये तो हम फिर से गलत कर रहे हैं, हमें सही करना चाहिए। तो पूरा का पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा उस गधे पर बैठकर जाने लगे और उन्होंने सोचा हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आगे जाकर देखा कुछ लोग और मिले, उन्होंने कहा कि भाई देखो कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, पूरे के पूरे परिवार में अकल ही नहीं है, इस बेचारे जानवर का कचूमर निकाल देंगे, ये तो पूरा परिवार ही खानदानी बैठ के इस गधे की सवारी कर रहा है। उन्हें लगा कि यार हम तो बिल्कुल ही समझदार नहीं है, हम तो गलती कर रहे हैं। तो बेचारे अल्टीमेटली क्या करते हैं, उस गधे को उठाकर वो अपने कंधे पे रख लेते हैं और वो आगे जाने लगते हैं और रास्ते में एक नदी पड़ती है, उस नदी को वो उसी पोज में उस गधे को सर पे उठा के कंधे पे उठा के क्रॉस कर रहे होते हैं, तो बैलेंस बिगड़ता है और वो गधा उस नदी में गिर जाता है। यहाँ कहानी ख़त्म होती है और जो ब्यूटीफुल मैसेज है वो ये है कि गाइज इफ़ वी ट्राई टू प्लीज अदर्स वी माइट लूज अवर एस। तो एस यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, एस के दो मतलब होते हैं। कहानी में जो एस है उसका मतलब गधा है और जो मोरल है इस कहानी का उसमें जो एस है उसका मतलब आप खुद जानते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो गाइज मैं चाहता हूँ या इसमें जो कन्वे करना चाहता हूँ वो एक सिंपल सा मैसेज यही है कि स्टॉप प्लीजिंग अदर पीपल, अदरवाइज यू माइट लूज योर एस एंड एस कैन कॉस्ट यू एवरीथिंग यू हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।